大家好，我是安卓，你们的老师。 Hey everybody, I am your teacher Anuj. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम चाइनीज में नंबर को अपने हाथों से बता सकते हैं। हमने इंडिया में बहुत देखा है कि दुकानदार पान खा रहा है लेकिन वो नंबर बताने के लिए या उसे पैसे बताने के लिए थूकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो हाथों से बता सकता है कि कितने पैसे हुए। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम हाथों से नंबर को बता सकते हैं। जैसे एक को एक से बता सकते हैं, दो को दो से, तीन को इस तरह से, चार को इस तरह से, पांच को इस तरह से। लेकिन पांच के बाद हमें दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो तो होगा पान के ऊपर, तो आपको कैसे नंबर बताए। लेकिन चाइनीज में हम आपको एक ही हाथों से नंबर बता सकते हैं। जैसे एक, इसको हम बोलते हैं ई, और इसको लिखते हैं हम इस तरह से ई। दो को हम बोलते हैं अर, अर, और इसको हम इस तरह से ही दिखाते हैं। तीन को बोलते हैं हम सान, सान, और तीन को भी हम इंडिया की तरह इसी तरह से बताते हैं। ये नंबर्स लिखने में बहुत आसान है, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे चार, स, स, चार को हम इस तरह से बताते हैं, लेकिन इसमें लिखने में थोड़ा सा अंतर है। चार को हम इस तरह से लिखते हैं, स, पांच, पांच को हम इसी तरह से बताते हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अलग है, और पांच को हम बोलते हैं भू, भू, पांच को हम बोलते हैं भू, क्योंकि इसमें थर्ड टोन लगी है। और भू को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। छे का हमारा होता है ये, हम छे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से बताते हैं, और इसको हम बोलते हैं लियो, लियो, छे हमारा हो गया है लियो। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आ गया हमारा सात, सात को हम बोलते हैं छी, छी, और हम इसको इस तरह से बताते हैं, ऊपर की दो उंगलियां और नीचे का अंगूठा इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, और ये दो उंगलियां मुड़ी रहेंगी, तो हम इस तरह से दिखाते हैं सात। ये हमारा हो गया है छी। अब आ गया हमारा आठ, आठ को बोलते हैं पा, पा, पा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पा, पा, पा को हम लिखते किस तरह से हैं, सबसे ज्यादा एक इस तरह से, फिर दूसरा इस तरह, पा। अब आ गया है हमारा नौ, नौ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नौ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये तीन उंगलियां मुड़ी रहेंगी, ये अंगूठा इस तरह से और उंगली इस तरह से, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, और नौ का हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो चियो, अब हम चियो किस तरह से लिखें, ये हमारा नौ, नाइन। अब आ गया हमारा दस, दस को किस तरह से हम बोलते हैं और किस तरह से लिखते हैं, दस को हम बोलते हैं शिर, 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 जो है हमारा बहुत आसान है, ये भी इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसको
रिप्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए तीन तरीके होते हैं। या तो इस तरह से मुट्ठी बंद इस तरह से दिखा सकते हैं, ये भी हमारा दस है, या फिर हम इस तरह से बता सकते हैं जो हमारी फिंगर्स हैं, ये क्रॉस फिंगर, ये भी हमारा दस है, या फिर हम बता सकते हैं दो हाथों से इस तरह से, क्योंकि ये सिंबल और ये सिंबल दोनों एक जैसे हैं। देखो ये भी टी लग रहा है और ये भी टी जैसा। तो ये हमारे कुछ नंबर थे कि जिस तरह से हम चाइनीज में नंबर बताते हैं। तो आइए एक बार दोबारा से हम फिर जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है ई ई, दूसरा जो हमारा है दो, तो टू को हम कैसे बोलते हैं आर आर, तीन को हम बोलते हैं सन सन, चार को हम बोलते हैं स स, पांच को हम बोलते हैं बू बू, छह को हम बोलते हैं लियो लियो, सात को हम बोलते हैं छी छी, आठ को हम बोलते हैं पा पा, नौ को हम बोलते हैं चियो चियो, दस को हम बोलते हैं शिर शिर शिर। धन्यवाद, उम्मीद है आपको हमारा हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। साई चैन।